बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एनएफए और एनएफए एप्सिलॉन पढ़ा था पहले, और उसमें हमने देखा था कि जब हम उसको डीएफए में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास पावर सेट कंस्ट्रक्शन होती है, जिसको हम सबसेट कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और स्टेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं डीएफए की। तो अब मसला ये है कि हम हमारे पास क्या कोई तरीका है कि हम डीएफए की स्टेट्स को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द फॉर्मल मेथड टू मिनिमाइज अ डीएफए। पार्ट वन इसलिए रखा है कि यहाँ पे हम पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे, फिर पार्ट टू में अलग से एक सवाल पूरा हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल एक्सेप्टिंग स्टेट्स के साथ। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंस का क्या रिश्ता है मिनिमाइजेशन के साथ ऑटोमेटा के। सो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस हाउ टू टेस्ट वेदर टू डिस्क्रिप्टर्स फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट। क्या मुराद है डिस्क्रिप्टर्स फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस के? देखिए, रेगुलर लैंग्वेज एक सेट को रिप्रेजेंट करती है, और उस सेट का जो एक मेंबर होता है वो एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, वो जब हम ऑटोमेटा में पास करते हैं तो अगर वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक हमें ले जाए तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रिंग जो है वो पार्ट ऑफ द लैंग्वेज है जिस पर ये ऑटोमेटा बिल्ड किया गया है। तो डिस्क्रिप्टर्स फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस क्या है? यही फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो हम देखना ये चाहते हैं, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि दो एफ एज आर इक्विवेलेंट इन द सेंस दैट दे डिफाइन द सेम लैंग्वेज। यानी इक्विवेलेंस का क्राइटेरिया क्या हुआ कि दो डी एफ एज जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है अगर वो सेम लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बात आई समझ में? ये मायार है। अब एक में ज्यादा स्टेट है, एक में कम है, लेकिन वो दोनों सेम ऑटोमेटा कहलाएंगे अगर वो दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एन इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ दिस टेस्ट इज दैट देयर इज अ वे टू मिनिमाइज द डीएफए। इससे एक बात सामने आती है कि हम अगर दो डीएफए बजाहिर देखने में डिफरेंट हैं लेकिन वो सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वाकईतन एक में ज्यादा और एक में कम स्टेट्स हैं, तो यहीं से ये बात साबित हो जाती है कि हमारे पास कोई रास्ता है डीएफए मिनिमाइज करने का, वरना ऐसा ना होता कि दो डिफरेंट डीएफए एक ही लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दैट इज वी कैन टेक एनी डीएफए एंड फाइंड एन इक्विवेलेंट डीएफए दैट हैज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है हम किसी डीएफए को लेके कोई इक्विवेलेंट डीएफए फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें स्टेट्स की तादाद कम हो। इन फैक्ट दिस डीएफए इज एसेंशियली यूनिक, गिवन एनी टू मिनिमम स्टेट डीएफए दैट आर इक्विवेलेंट वी कैन ऑलवेज फाइंड अ वे टू रीनेम द स्टेट सो दैट द टू डीएफए बिकम द सेम। तो फिर हमारे पास क्या हो गया कि ये जो हमने मिनिमाइज किया है डीएफए और एक दूसरा डीएफए है, देखने में डिफरेंट है लेकिन हमारे पास एक तरीकाकार है कि हम स्टेट्स को क्या करते हैं, रीनेम कर दें। ठीक है, आगे आप जाके देखेंगे कि जो स्टेट्स इक्विवेलेंट हो जाएंगी यानी एक एक ही तरह बिहेव कर रही होंगी उनको हम कंबाइन करके रीनेम कर देंगे, और फिर हमारे पास ये बात आ जाएगी कि देखने में भी दो ऑटोमेटा जो है जो सेम लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सिमिलर दिखेंगे। टेस्टिंग इक्विवेलेंस ऑफ स्टेट। तो हमारे पास जो गोल है वो ये है कि हम अंडरस्टैंड करें व्हेन टू डिस्टिंक्ट स्टेट्स पी एंड क्यू कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल स्टेट दैट बिहेव्स लाइक बोथ पी एंड क्यू। तो हमारे हमारा जो गोल है वो ये है कि स्टेट्स को कंबाइन करें, वो देखने में डिफरेंट हो लेकिन वहां से लेकर के फाइनल स्टेट तक अगर रास्ता सेम है। देखिए, किस क्राइटेरिया पे हम कंबाइन कर सकते हैं? वी से दैट स्टेट्स पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट इफ फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स डब्ल्यू एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन पी कॉमा डब्ल्यू इज एन एक्सेप्टिंग स्टेट, इफ एंड ओनली इफ ट्रांजिशन कैप क्यू कॉमा डब्ल्यू इज एन एक्सेप्टिंग स्टेट। सपोज करें पी एंड क्यू दो डिस्टिंक्ट डिफरेंट स्टेट्स हैं, पी पर भी मैंने स्ट्रिंग डब्ल्यू अप्लाई की और क्यू पर भी मैंने स्ट्रिंग डब्ल्यू अप्लाई की, तो पी भी मुझे एक्सेप्टिंग स्टेट तक ले गई और क्यू भी एक्सेप्टिंग स्टेट तक ले गई। इसका मतलब है कि पी से एक्सेप्टिंग स्टेट का रास्ता और क्यू से एक्सेप्टिंग स्टेट का रास्ता जो है स्ट्रिंग डब्ल्यू पर बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इक्विवेलेंट ना होने का क्राइटेरिया क्या हुआ? यानी इफ टू स्टेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट देन वी से दे आर डिस्टिंग्विशेबल। तो जो स्टेट्स आपस में कंबाइन हो सकती हैं वो क्या कहलाएंगी? इक्विवेलेंट स्टेट्स। और जो कंबाइन नहीं हो सकती उनको हम कहेंगे कि वो क्या है? डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिस्टिंग्विशेबल होने का क्राइटेरिया क्या हुआ? डिस्टिंग्विशेबल होने का क्राइटेरिया ये हुआ कि सपोज करें पी स्टेट जो है वो क्यू के डिस्टिंग्विशेबल करार पाएगी इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्ट्रिंग डब्ल्यू सच दैट वन ऑफ पी कॉमा डब्ल्यू एंड क्यू कॉमा डब्ल्यू इज एक्सेप्टिंग एंड द अदर इज नॉट एक्सेप्टिंग। सपोज करें कि पी पे जब मैंने डब्ल्यू को अप्लाई किया तो मैं एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच गया, लेकिन जब मैंने क्यू पे डब्ल्यू को अप्लाई किया सेम स्ट्रिंग को तो मैं एक्सेप्टिंग स्टेट पे नहीं पहुंचा। तो अगर इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग होगी वो इन स्टेट्स को क्या कर देगी? डिस्टिंग्विशेबल कर देगी, क्योंकि एक स्टेट से तो मैं एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच चुका हूं
लेकिन दूसरी जो स्टेट है वो मुझे एक्सेप्टिंग पे नहीं ले जा रही। और आपको पता है कि एक्सेप्टिंग स्टेट और नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट कभी भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सेप्टिंग स्टेट वो स्टेट होती है जो ये बता रही होती है कि यहाँ पर पहुंच के स्प्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल होंगी, और नॉन एक्सेप्टिंग जो है वो होगी जहां पर कि आपके पास स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, किसी दरमियानी स्टेट पे होती है। तो कभी भी कोई एक्सेप्टिंग स्टेट नॉन एक्सेप्टिंग के बराबर नहीं हो सकती। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग, हम दो स्टेट पर अप्लाई करें और एक हमें एक्सेप्टिंग तक ले जाए और एक एक्सेप्टिंग तक ना ले जाए, तो ये दोनों स्टेट कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम ये हमारे पास एक एग्जाम्पल DFA दिया हुआ है जिसमें हम 3 स्टेप्स लगा के इसको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं, सर्टेन पेयर ऑफ स्टेट्स आर ऑब्वियसली नॉट इक्विवेलेंट। वो कह रहा है कि कुछ पेयर ऑफ स्टेट जो है वो तो फौरन ही आप बता सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सी और जी को ले लें, एक एक्सेप्टिंग स्टेट है और एक एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, तो ये दो स्टेट तो कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सेप्टिंग स्टेट की तो बात ही अलग है। वहां पर जाकर तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है और पता चलता है कि ये स्ट्रिंग जो है लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। तो कोई भी एक्सेप्टिंग स्टेट किसी भी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट के बराबर नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन डेफिनेशन क्या कह रही थी पीछे वाली? पीछे वाली डेफिनेशन कह रही थी कि भाई कोई स्ट्रिंग होनी चाहिए जो इस बात को साबित करे कि एक हमको एक्सेप्टिंग तक ले जाए और एक एक्सेप्टिंग तक ना ले जाए स्ट्रिंग, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स हैं पी एन क्यू। आप देखें ऑथर ने कितनी खूबसूरती से जिस स्ट्रिंग का इंतखाब किया है, जिसकी वजह से सी और जी जो है ये नॉट इक्विवेलेंट यानी कि डिस्टिंग्विशेबल करार पाई है, वो स्ट्रिंग है एम्प्टी स्ट्रिंग। आप देखें हम अपनी डेफिनेशन से भी नहीं हटे और हमने इन दोनों को डिस्टिंग्विशेबल करार दे दिया। कैसे? ये देखें, जब मैंने सी पर एम्प्टी स्ट्रिंग अप्लाई किया तो मैं सी पे वापस आऊंगा, जाहिर बात है, और जी पर जब मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग अप्लाई किया तो मैं जी पे वापस आ गया। तो एम्प्टी स्ट्रिंग ने इन दोनों को क्या करार दे दिया? डिस्टिंग्विशेबल। एम्प्टी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग हुई जिसकी बदौलत हमने जब सी पे अप्लाई किया तो हम एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंचे यानी सी पे, और जी पर अप्लाई किया तो हम एक्सेप्टिंग स्टेट पर नहीं पहुंचे। तो इस स्ट्रिंग ने, एम्प्टी स्ट्रिंग ने इन दोनों स्टेट्स को डिस्टिंग्विशेबल करार दे दिया, ठीक है। तो हम डेफिनेशन से भी नहीं हटे और हमने जो है डेफिनेशन में रहते हुए एक एक्सेप्टिंग और नॉन एक्सेप्टिंग का डिस्टिंग्विशेबल होने का क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, टू फाइंड स्टेट्स दैट आर इक्विवेलेंट वी मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स टू फाइंड पेयर्स ऑफ स्टेट्स दैट आर डिस्टिंग्विशेबल। अब ये पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो स्टेट्स हैं, हमें मालूम करना है कि वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऑथर कहता है कि हम अपनी बेस्ट एफर्ट्स करेंगे कि उन पेयर ऑफ स्टेट्स को मालूम करें जो डिस्टिंग्विशेबल है, यानी इक्विवेलेंट स्टेट्स को मालूम करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि हम अपना पूरा जोर लगा देंगे उन स्टेट्स को फाइंड आउट करने में जो कि कंबाइन नहीं हो सकती, जो कि डिस्टिंग्विशेबल है, जो कि इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। अब ये देखिए कितना खूबसूरत जुमला है, इट इज परहैप्स सरप्राइजिंग, ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग है लेकिन हकीकत है, बट ट्रू दैट इफ वी ट्राई आवर बेस्ट अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम टू बी डिस्क्राइब बिलो, देन एनी पेयर ऑफ स्टेट्स दैट वी डू नॉट फाइंड डिस्टिंग्विशेबल आर इक्विवेलेंट। क्या कह रहा है ऑथर कि ये बात सरप्राइजिंग है लेकिन यही हकीकत है कि जब हम किसी भी पेयर ऑफ स्टेट को डिस्टिंग्विशेबल ना करार दे पाए अपनी तमाम एफर्ट्स के बावजूद, तो जो स्टेट्स बच जाएंगी वो इक्विवेलेंट होंगी। ये अजीब सी बात है, देखिए हम पूरी मेहनत किस पे लगाएंगे? दो स्टेट्स को डिस्टिंग्विशेबल करार देने पर। जो बच जाएंगी ना, जो बच जाएंगी स्टेट्स, वो इक्विवेलेंट स्टेट्स करार पाएंगी। जो एल्गोरिथम हम इसके लिए फॉलो करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, उसका नाम है टेबल फिलिंग एल्गोरिथम, और ये एक रिकर्सिव प्रोसीजर है, ठीक है। रिकर्सिव प्रोसीजर है डिस्टिंग्विशेबल पेयर्स को मालूम करने का किसी भी DFA में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा वही DFA जो अभी हमने आपको पीछे इंट्रोड्यूस करवाया था। आप पहले हम स्टेप नंबर वन देखते हैं, वी हैव वन अनरीचेबल स्टेट। अच्छा, स्टेप नंबर वन ये है कि आप इस DFA में देखेंगे कि कोई स्टेट जो है वो अनरीचेबल तो नहीं है, अगर है तो आप उसको पहले ही रिमूव कर दें, ठीक है। तो और अच्छा है कि एक स्टेट आपकी, एक दो स्टेट कम हो जाए, अगर अनरीचेबल आपके पास कोई स्टेट है तो उसको आप रिमूव कर दें। आप अनरीचेबल को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए अनरीचेबल वो स्टेट होगी कि स्टार्ट स्टेट से शुरू करके उस स्टेट तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, जैसे यहाँ पर आपको डी नजर आ रहा है, डी जो है वहां से एजेस निकल रही है लेकिन डी तक पहुंचने के लिए कोई एज नहीं है, ठीक है। तो इनकमिंग एज जो है डी स्टेट पे कोई भी नहीं है लेकिन आउटगोइंग है,
ठीक है, ये फजीलत सिर्फ स्टार्ट स्टेट को हासिल है कि उस पे कोई एज ना आए तो भी वो जो है ना पार्ट ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा रहती है, क्योंकि वहां से तो हम बात शुरू करते हैं ना। लेकिन कोई और स्टेट ऐसी नहीं हो सकती कि उस पर कोई एरो आए नहीं और उससे एरो निकल रहा है। तो जब उसमें कोई स्टेट कोई एरो आएगा नहीं तो हम उससे निकलेंगे कैसे बाहर? ठीक है, तो हम उस तक तो पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो आप डी को देखें, डी पे कोई एरो नहीं आ रहा, बाकी आप सबको देख लें। तो बी, हम स्टार्ट स्टेट से बी पे भी पहुंच सकते हैं, सी पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, और ई पे भी पहुंच सकते हैं। ए से एफ पे गए, एफ से जी, और जी से हम ई पर आ गए। तो ई भी रीचेबल है और एच भी रीचेबल है आपके पास। ये देखें, हम बी पे गए, ठीक है, और यहाँ से बी से हम जी पे गए, ठीक है, जी से ई पे गए और ई से हम एच पे गए। तो ये भी इवन रीचेबल है, सही है। और इसमें भी देखें, इनकमिंग एज आ रही है, और लेकिन डी जो है ना इस पे हम नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, डी को रिमूव कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। वी हैव वन अनरीचेबल स्टेट, स्टेट डी, वी रिमूव दिस स्टेट एंड प्रोसीड टू स्टेप नंबर टू। आप आ जाइए स्टेप नंबर टू पे। वी फर्स्ट मार्क पेयर्स ऑफ फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स गेटिंग द फॉलोइंग टेबलू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेबलू बनेगा कैसे। जी हाँ, ये इसको बनाने का एक खास तरीका कार है, सही है। अच्छा, अब पहले तो हमारे पास 8 स्टेट्स थी, अब हमारे पास कितनी स्टेट्स रह गई हैं डी को निकालने के बाद? अब हमारे पास है 7 स्टेट्स। तो देखिए, आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप इस तरह से लिख लें, मिसाल के तौर पे ए बी और सी, डी हटा दें तो ई एफ जी और एच, ठीक है, ये आपने लिस्ट डाउन कर ली। अब एक साइड पे आप जो है ना यहाँ बी से शुरू करेंगे और आखिर तक जाएंगे, सही है, और एक में आप ए से स्टार्ट करेंगे और एक पहले पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो तरीका कार क्या होगा कि एक बात से शुरू करके आखिर तक और शुरू से स्टार्ट करके एक पहले तक आप खत्म कर देंगे। तो आप देखें, एक साइड पे मैंने बी सी ई एफ जी एच को लिस्ट आउट किया है, बी से शुरू किया है और एच तक गया हूँ, और नीचे आप देखेंगे मैंने ए बी सी ई एफ जी को लिस्ट आउट किया है, एच को यहाँ पे नहीं किया। अच्छा, और उसके बाद ये सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखें, ये सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। ये सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे सेल बना देता तो क्या होता, बी का मुकाबला होता बी के साथ, तो भाई बी को मैं बी के साथ क्यों चेक करूंगा, ठीक है, बी को बी के साथ क्यों चेक करूंगा। और अगर ये सेल बना देता तो यहाँ पे बी का मुकाबला हो जाता सी के साथ, ठीक है, जो कि पहले यहाँ पे हो चुका है, जो कि पहले यहाँ पे हो चुका है, सी जो है बी से चेक हो चुका है, तो बी को सी से चेक करूंगा तो एक ही बात हुई ना। यानी हमें तो चेक करना है पेयर ऑफ स्टेट के बी और सी इक्विवेलेंट हैं या डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो जब मैंने एक दफा इसको चेक कर लिया तो अब दोबारा चेक करने की तो यहाँ पे जरूरत कोई भी नहीं है। तो ये अगर आप इस सीढ़ी की तरह नहीं बनाएंगे ना तो गैर जरूरी सेल यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि दरअसल आपका क्या होगा, रिपीटिशन ही होगी, रिपीटिशन ऑफ वर्क होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं कि यहाँ पर एक बात से शुरू करके आखिर तक और यहाँ पे शुरू से शुरू करके एक पहले तक खत्म कर देते हैं। बहरहाल, ये तो मैंने आपको ये बताया कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, और जो अगली वीडियो है हमारी पार्ट टू वाली, उसमें तो हम खुद ये स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे, तो वहां पर आप देख लेंगे। अभी तो हमारा ये है कि एक इस एग्जाम्पल को कवर कर ले, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप नंबर टू क्या कह रहा है कि हर फाइनल और नॉन फाइनल जो पेयर है स्टेट का उस पर क्रॉस लगा दो। तो आपको पता है कि इस ऑटोमेटा में सिर्फ सी फाइनल है, सिर्फ सी जो है वो एक्सेप्टिंग स्टेट है, बाकी सब नॉन फाइनल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमने ए और सी के क्रॉस पॉइंट पे क्रॉस लगा, बी और सी के क्रॉस पॉइंट पे क्रॉस लगा, और यहाँ पर ये सी है, सी का ये कॉलम है, और सी और ई के क्रॉस पॉइंट पे क्रॉस, सी और एफ पे क्रॉस, जी और सी पे क्रॉस, एच और सी पे क्रॉस, ठीक है। तो सी जो है उसका मुकाबला बाकी 6 स्टेट्स के साथ आप सेल आइडेंटिफाई कर लें, ए सी कहाँ है, बी सी कहाँ है, ई सी सेल कहाँ है, सी एफ सी जी सी एच वाले सेल सारे आइडेंटिफाई करके क्रॉस लगा दें, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सा जो है स्टेप नंबर टू। ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया था कि कोई भी फाइनल किसी भी नॉन फाइनल स्टेट के इक्विवेलेंट कभी भी नहीं हो सकती, तो सबसे पहले हमने उनको क्रॉस लगा दिया। अब हम बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट जो है वो डिस्टिंग्विशेबल हो सकती है। तो ये तो जाहिर बात है कि एक रिजल्ट है एक एक्टिविटी का जो यहाँ पर आएगा, तो मेरा ख्याल है मैं आपको यहाँ से बता के शुरू करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग किस तरह से ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम वर्किंग देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं ए और बी को चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं देखूंगा कि ए पे अगर 0 आए तो मैं कहाँ जाऊंगा, और बी पे अगर 0 आएगा तो मैं किस स्टेट पे जाऊंगा। तो ए पे 0 आने की सूरत में यहाँ पे देखिए आप, हम बी पे जाएंगे, ठीक है,
और बी पे 0 आने की सूरत में हम जाएंगे जी पे। तो यहाँ पर आया बी और जी, और बी और जी के बारे में अभी कोई फैसला यहाँ देखिए अब नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ए पे मैं 1 अप्लाई करके देख लेता हूँ और इसी तरह से बी पे 1 अप्लाई करके देखता हूँ। तो ए पे 1 अप्लाई किया तो एफ आया, और बी पे 1 अप्लाई किया तो सी आ गया। अब ये आप देखें कि सी और एफ ये आया है हमारे पास रिजल्ट में, और सी और एफ ये देखें, ये रहा आपका सेल सी और एफ, इस पे पहले से क्रॉस लगा हुआ है। तो ए और बी भी हमें कहाँ ले जा रहे हैं, सी और एफ पे लेकर के जा रहे हैं, स्ट्रिंग 1 पे। तो इसका मतलब है ए और बी जो है ये भी क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो हम ए और बी पे क्रॉस लगा देंगे। समझ में आई बात, यानी सेम स्ट्रिंग हमने अप्लाई की ए पे, वही स्ट्रिंग बी पे अप्लाई की, एक हमें फाइनल तक ले गया, एक नॉन फाइनल तक ले गया, ठीक है। तो फिर ए और बी खुद भी क्या हो जाएंगे, डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, या ए और बी पे जो स्ट्रिंग हमने अप्लाई की वो हमें ऐसी जगह ले गए जहां पे ऑलरेडी क्रॉस था, यानी सी और एफ आया ना रिजल्ट में, तो ये क्या हो गया, ये डिस्टिंग्विशेबल हो गया, सही है। अच्छा अब हम चेक करते हैं ए और ई को, ए और ई को चेक करते हैं। तो हम ट्रांजिशन लेंगे ए पे 0 का, तो ऊपर लिखा हुआ है बी, और इसी तरह से हम ई पे लेते हैं ट्रांजिशन 0 का। तो ई पे 0 का ट्रांजिशन एच है, और बी और एच का फैसला अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम 1 पे भी चेक कर लेते हैं कि ए पे 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, तो ए पे 1 आया तो एफ, और जनाब ई पे 1 आया तो, ई पे 1 आया तो भी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पता नहीं चल सका क्योंकि एक ए और ई पे 0 अप्लाई करने पे बी और एच पे पहुंच रहे हैं, और बी और एच का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, दूसरे पे दोनों में एफ एफ आ रहा है, तो ये अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे, सही है। अब हम आ जाते हैं इस सेल की तरफ, यानी ए और एफ, ए और एफ। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं ए पे 0 पे बी है, और एफ पे 0 पे क्या आ रहा है, एफ पे 0 पे हमारे पास आ रहा है सी। ये लीजिए पहली दफा में ये क्या हो गई, डिस्टिंग्विशेबल हो गई 0 पर, कि एक ले जा रहा है बी पे और दूसरा ले जा रहा है सी पे। तो बी क्या है, नॉन एक्सेप्टिंग और सी एक्सेप्टिंग है, तो ए और एफ पर भी क्रॉस आ जाएगा, तो ए और एफ भी क्या हो जाएंगे, डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। अब आ जाए ए और जी को चेक करते हैं, ए और जी। तो हम ट्रांजिशन देखते हैं ए पे 0 की, और हम देखते हैं जी पे 0 की ट्रांजिशन। ए पे 0 है आपके पास बी, और जी पे 0 है जी। तो बी जी का कोई फैसला हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। चले जनाब 1 पे देख लेते हैं इन लोगों को कि 1 पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ए पे 1 जो है ये है आपके पास एफ, और जी पे अगर 1 आता है तो है ई, एफ और ई, एफ और ई का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो ए और जी को आप होल्ड पे डाल दें, ठीक है, क्योंकि बी और जी पे भी क्रॉस नहीं है और एफ और ई पर भी अभी तक क्रॉस नहीं है। एफ और ई जो है ना ये यहाँ है, ये रस है, इसका भी कुछ पता नहीं है। अब फाइनली आपके पास आ गया है ए और एच, तो ए पे 0 है आपके पास बी, और एच पे 0 है जी। बी और जी का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, ऑन होल्ड है। अब ए और आप एच पे 1 अप्लाई करके देखिए, ए पे 1 तो है एफ और एच पे 1 है सी। चले जनाब ये तो हो गया फैसला, एक एफ पे ले जा रहा है एक सी पे ले जा रहा है, तो ये हो गए डिस्टिंग्विशेबल। तो फौरन इस पे जनाब लगा दीजिए आप क्रॉस, ठीक है। अब आ जाए बी और ई पर, अब चेक करेंगे हम बी, यहाँ लिख लें बी ई को चेक करने जा रहे हैं। बी पे 0 चेक कीजिए, बी पे 0 है जी, और ई पे 0 को चेक करें, ई पे 0 है एच। जी और एच का कोई फैसला हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ हुआ है। अच्छा 1 पे चेक करें दोनों को, तो बी पे 1 तो सी है, और ई पे जो 1 है वो है आपके पास एफ। तो ये फिर एफ और सी आ गया, तो बी और ई जो है ये भी डिस्टिंग्विशेबल हो गए, तो वहां पर भी आप क्रॉस लगा दें बी और ई पर। आप बी और एफ को देख लें, यहाँ यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं बी और एफ की, ठीक है। बी पे 0 जी, और एफ पे 0, एफ पे 0 सी। तो जी और सी डिस्टिंग्विशेबल है, तो ये भी डिस्टिंग्विशेबल हो गया, बी और एफ भी डिस्टिंग्विशेबल हो गया। अब बारी आई बी जी की,
बीजी की बारी आई, कहाँ गया हमारा पॉइंटर, ये खो जाता है बेचारा। ये रहा बीजी, तो ट्रांजिशन B0 और G0, B0 तो हो गया G और G0 हो गया G। ठीक है, अब वन पे देख लें भाई इसको, B पे वन क्या है, C है, और G पे वन क्या है, E है। तो ये तो C और E आ गया, यानी कि ये भी वही है, डिस्टिंग्विशेबल, एक एक्सेप्टिंग एक नॉन एक्सेप्टिंग। तो हमारा बी जी बी जो है वो क्या हो गया, डिस्टिंग्विशेबल हो गया। तो बी जी पे क्रॉस लगा दें, तो हम यहाँ गए और हमने बी जी पर क्रॉस लगा दिया। बी एच की क्या सूरत हाल है, बी एच, तो B0 और अल्लाह भला करे H0। B0 तो हो गया आपका G और H0 हो गया G, ये तो दोनों सेम हो गए। आप वन पे चेक कर लें जरा B और H को, तो B पे जब हमने वन अप्लाई किया तो आया C, और H पे वन अप्लाई किया तो भी C आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ B और H का तो फैसला होता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, बी एच को छोड़ दिया है हमने, ए और ई, ए और ई जो है इसलिए छोड़ा था कि बी एच का फैसला हो जाए, लेकिन बी और एच का फैसला नहीं हुआ, ये ऑन होल्ड था ए और ई। अच्छा, और रस्ते में कौन सा था, ए और जी, ए और जी जो था वो बी जी का वेट कर रहा था। हाँ ये देखें ना आप, ये निकले यहाँ से पॉइंट हमारे पास ए और जी, ये देखें इसको मैं हाईलाइट करता हूँ आपको, ये देखें ए और जी, ए और जी पे क्या सूरत हाल थी कि ये वेट कर रहे थे बी और जी का। तो यहाँ तो बी और जी डिस्टिंग्विशेबल हो गए, ये देखिए क्रॉस भी आ गया बी और जी पे, तो इस वजह से ए और जी पर भी क्रॉस आएगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे अपने टेबल में और ए और जी पे क्रॉस लगाते, क्यों, क्योंकि बी और जी पे क्रॉस आ गया। अच्छा, बी और एच अभी होल्ड पर है, ए और ई भी जो है ना वो होल्ड पर है, क्योंकि ए और ई हमें बी एच पे ला रहा है और बी एच हमें जी जी और सी सी पे लेकर के आ रहा है, तो ये अभी ऑन होल्ड हो गया। ठीक है, आप ई और एफ को चेक कर लीजिए, अब आप चेक कर लीजिए ई 0 और आप चेक कीजिए एफ 0। तो ई 0 जो है जनाब ये हो गया एच और एफ 0 हो गया आपका सी। ये लीजिए भाई, एक हो गई एक्सेप्टिंग और एक हो गई नॉन एक्सेप्टिंग, जल्दी से क्रॉस इसमें लगा दीजिए आप। अच्छा, अब आ गए आप ई जी पे, अब है मुकाबला ई और जी का। तो पहले 0 पे चेक कर ले दोनों को, तो ई पे 0 तो एच आ गया और जी पे 0 जो है वो जी आ गया। तो जी एच का तो हम जी एच का क्या हुआ है, नहीं फैसला नहीं हुआ। अच्छा, अब इसको वन पे भी चेक कर लीजिए आप, ई पे 1 और जी पे 1, तो ई पे 1 आया आपके पास एफ और जी पे 1 जो है ये आया ई, और ई एफ का कोई फैसला हुआ है, बिल्कुल हो चुका है, तो इसलिए ई जी पर भी क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि ये हमें ले जा रहा है किस पर, ये हमें ई एफ पे लेके जा रहा है। फिर खो गया हमारा पॉइंटर, ये रहा एफ और ये ई, इस पे लेकर के जा रहा है, इस वजह से ई और जी भी क्रॉस हो गया, क्योंकि एफ और ई जो है ये ऑलरेडी क्रॉस था। तो अब हमारे चार सेल बचे हुए, ई और एच को चेक करते हैं, ई और एच पहले 0 पे करते हैं, तो ई को जनाब 0 पे चेक किया तो आया एच, और एच पे 0 चेक करें तो आया जी, और जी एच का फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ई पे 1 जो है ये तो है एफ, लेकिन एच पे 1 ये है सी। तो ये हो गया आपके पास एफ और सी, और एफ और सी जो है ना ये पहले से हमारे पास क्या है, क्रॉस है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, यानी ई और एच भी क्रॉस हो जाएगा। तो हम अपने टेबल पे जाते हैं और ई और एच को क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास तीन सेल रह गए, एफ और जी, और ये है हमारे पास एफ एच और जी एच। अच्छा, अब वहां पे क्योंकि स्लाइड पे जगह नहीं रही, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं जो अब रिमेनिंग हमारे पास स्टेट्स हैं, यानी कि एफ और जी। तो एफ पे 0 को चेक कर लेते हैं और जी पे हम 0 को चेक करते हैं। तो एफ पे 0 है हमारे पास सी और जी पे 0 है जी, तो क्योंकि सी और जी डिस्टिंग्विशेबल है तो ये भी हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, अब आ जाते हैं एफ और एच की तरफ, एफ पे 0 सी है
और एच पे 0 वो जी है, तो ये भी डिस्टिंग्विशेबल हो गई सी और जी। एफ पे 0 और जी पे, एच पे 0 जी। अच्छा अब आ जाएं जी और एच, जी पे 0 को चेक करें और एच पे 0, एच पे 0 तो जी है और जी पे 0 जी है, तो 1 पे चेक कर लें इसको, जी पे 1, जी पे 1 क्या है ई, और एच पे 1 ये है सी, तो एच पे 1 सी आ गया आपके पास, तो ये एक सी हो गया और एक ई हो गया, तो ये तीनों जो हमारे पास लास्ट में बची थी ये भी डिस्टिंग्विशेबल हो गई। तो अब सूरत हाल ये आई है कि हमारे पास ए और ई, ए और ई देखें आप, ये रही ए और ई, इसका फैसला नहीं हो पाया अभी तक, ए और ई का फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि ये हमें ले जा रही है बी और एच की तरफ, एक केस में, एक केस में एफ एफ की तरफ ले जा रही है। तो बी और एच जो है, ये रहा आपके पास बी और एच, बी और एच के केस में तो हम जा रहे हैं जी और जी पे और सी पे, ये देखें सी और सी और जी, तो बी और एच का भी कोई फैसला नहीं हो सकता, और ए और ई जो है ये बी और एच पे लेके जा रही है, ये हमें लेके जा रही है बी और एच, और बी और एच जो है वो जी जी और सी सी, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स जो है ये हमारे पास रिमेनिंग रह गई, तो जो रिमेनिंग रह गई वो क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट, यानी ए इक्विवेलेंट हो जाएगी ई के, ये देखिए आप ये वाला जो सेल है हमारा, ये वाला सेल ए इक्विवेलेंट हो जाएगी ई के, और बी इक्विवेलेंट हो एच के, बी इक्विवेलेंट हो जाएगी एच के। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब जो बना है ऑटोमेटा, ये फुल कंफॉर्मेंस है ओल्ड ऑटोमेटा के, किस तरह से ए और ई जो है ना कंबाइन होकर हमारे पास ये हो गई है इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, ए पे 0 आने की सूरत में हम जा रहे हैं बी पे, और ए पे 1 आने की सूरत में हम जा रहे हैं एफ पे, तो ये देखें ए के 1 आने की सूरत में हम जा रहे हैं एफ पे, और 0 आने की सूरत में हम जा रहे हैं बी पे। अब आप ई को चेक कर लें, ई पे 0 आया तो एच, ये देखें ई पे 0 आया तो एच, और एच जो है वो इस स्टेट के अंदर मौजूद है, और ई पे 1 आया तो एफ, तो ई पे 1 आया तो एफ। आप ये देख लें कि यहाँ ए और ई पे बिल्कुल सेम ट्रांजिशन फॉलो हो रही है, ए पे 0 आने पे हम बी पे जा रहे हैं, तो ई पे 0 आने पे एच पे जा रहे हैं, और बी और एच ऑलरेडी कंबाइन हो चुकी है, और ए और ई पे 1 आने की सूरत में हम एफ पे जा रहे हैं। अब आप बी और एच का मामला भी देख लीजिए, बी पे 1 आने की सूरत में सी, बी पे 1 आया तो सी, और यहाँ पे आप देखें एच पे 1 आया तो भी सी, तो बी और एच पे 1 आने की सूरत में हम सी पे जा रहे हैं, और बी और एच पे जो है 0 आने की सूरत में, देखें बी पे 0 आने की सूरत में जी, और एच पे 0 आने की सूरत में भी जी, तो बी और एच पे 0 आने की सूरत में हम जी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटा जो बना है, एक तो ये कि 7 स्टेट्स, डी तो पहले ही निकल चुका था, तो बाकी जो 7 स्टेट्स थी नाउ दे आर रिड्यूस टू 5 स्टेट्स, ठीक है, और ट्रांजिशंस भी मैंने आपको चेक करा दी। तो इस तरह से हमने ये मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा हासिल किया है, जिसमें ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट्स, ठीक है, और हमारे पास सी फाइनल स्टेट थी, तो यहाँ पर भी वो सी फाइनल स्टेट है विद द सेम ट्रांजिशन के, सी पे अगर 1 आएगा तो हम सी पे रहेंगे, और सी पे 0 आने की सूरत में हम ए पे चले जाएंगे, तो सी पे 0 आने की सूरत में हम ए पे चले गए, और ये जैसे कंबाइन हो चुकी है ई के साथ, ठीक है। तो ये हमें मिनिमम स्टेट ई एफ ए हासिल हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।